अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये छोकरी, मेरे कमरे में आने का साहस कैसे किया तूने? तेरा प्यार देखकर घनी बात मेरे मन में, घनी बात मेरे सामने आई। 10 वर्ष से मैं ये दुविधा में जी रहा हूं कि कदाच तूने मेरे दिकरे की हत्या नहीं की होगी, कदाच तू उस हत्यारे को बचाने की, उसको छिपाने की कोशिश कर रही होगी। 10 वर्ष से मैं ये दुविधा में जी रहा हूं कि अगर तुझे कारागार से निकाला तो मेरे दिकरे के प्रति अन्याय करूंगा, अने तुझे कारागार में रहने दिया तो तेरे प्रति अन्याय करूंगा। अपने संबंधों के साथ अन्याय ना हुए इसलिए मैंने हर संबंध को त्याग दिया, सुख संताप द्वेष क्लेश हर भावना को त्याग दिया, अपने जीवन को त्याग दिया, ने आज तू घर में आकर अपना हक जता रही है। एक बार मुझसे मांगती ने तो वैसे ही सब कुछ तुझे दे देता। उस रोज तो घर पे आई थी ना, 10 वर्ष पछी तेरी सूरत देख के मैं अपने मृत चोले से बाहर निकला, अने विचारा कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी तेरा अधिकार है, वो सब कुछ तुझे दे दूंगा। और उसके पहले तूने ये कर दिया। अरे बोलने, अब क्या तेरे ने मेरे संबंध का यही आधार है? अरे बोलने, आज 10 वर्ष में पहली बार मुझे किसी बात पर क्रोध आया है, किसी बात से दुख पहुंचा है मुझे। क्यों क्यों नहीं आ सकती मैं इस घर में? मैंने जो गलती की है मैंने उसका दंड भुगता है। 10 साल जेल में बिताए मैंने, तो फिर क्यों नहीं आ सकती मैं इस घर में? इस घर पे मेरा भी अधिकार है। क्या अधिकार है तेरा? अधिकार ने सीमा की बात करती है ना तू, तो एक बात याद रख, जे कई प्रकार के अधिकार होते हैं। धर्म का अधिकार, कर्म का अधिकार, ने वो अधिकार जो मांग के मिलता है, पर जो दिवस अधिकार की सीमा लांग जाते हैं अपन, तो सारे अधिकार शेष हो जाते हैं। समझी तू?
सुनो, क्या बदतमीजी है ये? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप हितेन भाई के घर आए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या राहत चंदी लड़कियों की ऐसी तस्वीरें खींचे। चलिए अब मेरी आंखों के सामने ये सारे फोटो हटाइए अपने कैमरे से। जल्दी करिए, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। बाप रे बाप, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसीलिए कि मैंने तुम्हारी तस्वीर नहीं ली या फिर मैंने उस गाय की तस्वीर ली? गाय की? हाँ, अब एक मिनट, खुद ही देख लो। खैर, अब तुम यहां से जाओ, वरना एक एक पल का हिसाब रखने वाली और 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली तुम्हारी बिरवा मैम तुम पर नाराज हो जाएंगे। अब यहां तुम चिल्लाई और वहां बिरवा मैम चिल्लाएंगी, सो प्लीज। हाँ हाँ, जाती हूँ। लगता है सारे के सारे नमूने इसी फैक्ट्री में, जैसे राजा वैसी प्रजा। अरे कहाँ है सब लोग? आज महाशिवरात्रि है, मंदिर में जाके शिवजी का अभिषेक करना है, चलो। तरुण भाई, हम सब तैयार हैं, बस हितेन भाई और तोरल भाभी का इंतजार कर रहे हैं। ए चंपा कली, इधर वो संतु महारानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। जी वो तो कहीं गई हैं। पूजा में तो नहीं गई? चलो वहाँ चलते हैं, भगदड़ मचाते हैं, तमाशा खड़ा कर देते हैं। आज मैयावंशी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। हितेन के हाथों सातवां अभिषेक होने वाला है और आज के अभिषेक के बाद ही हितेन सही रूप में धर्मपुर का मालिक बन जाएगा। सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ये संतुड़ी वहाँ कोई तमाशा खड़ा कर दे, क्योंकि वहाँ संभालने के लिए नानका भी तो नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए बा साहब, मैं अपने वकील से बात कर चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ। भगवान करे और वो वकील इस समस्या का सही समाधान निकाले, नहीं तो वरना ये पागल लड़की तांडव कर देगी वहाँ। अब चलो ना, देर हो रही है। अरे हाँ बाप, पर हितेन ने तोरल क्या छे? अरे इतना बड़ा उत्सव हितेन भाई का है, मुझे इतनी बड़ी धोती क्यों पहनाई जा रही है? मैं क्या करूँगा धोती पहन के? सूरज, हितेन चाहता है कि वहाँ हर कोई आकर तुमसे मिले। अब हितेन के बाद उसकी गद्दी तुम्हें ही संभालनी है ना। लेकिन भाभी, मुझे धोती पहनना आता कहाँ है? तो मैं पहनाती हूँ ना, लाओ। तोरल शू करे, तू जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती। और तू इतना बड़ा हो गया लेकिन धोती पहनना नहीं आती तुझे? अरे नहीं आती। अब भाई धोती में और लंगोटी में क्या फर्क है? मैं लंगोटी पहन के आ जाऊंगा, ये धोती वोती पहनना मुझसे नहीं होता। अरे फर्क है, तभी तो इसे धोती कहते हैं। अब जल्दी से इसे फटाफट पहन, नहीं तो। नहीं तो क्या, धोती उतार दोगे? हाँ उतारूंगा, लेकिन तू इसे पहले पहन तो खरी। अरे मुझे ये धोती तो पहननी नहीं आती, जब मैं पहनूंगा ही नहीं तो आप उतारोगे कैसे? बस बस, इतना बड़ा उत्सव है घर में और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। हितेन क्या प्रॉब्लम है, आ रही हूँ ना इसे धोती पहनाकर। तोरल पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है, नीचे सब इंतजार भी कर रहे हैं और अभिषेक से पहले हम दोनों को मिलके काफी सारी रस्में भी पूरी करनी, तो तुम अभी चलो। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। सूरज प्लीज कैसे भी करके ये धोती जल्दी से पहनकर नीचे आ जाओ, ओके? चलो। इतना बड़ा घोड़ा हो गया लेकिन धोती पहना नहीं आता। धोती ने तो धो डाला। अरे हितेन, तोरल चलो बेटा। आई बा। अरे संभालिए, चल तो। अरे हितेन भाई, सूरज कहाँ रह गया? वो बस अपनी धोती पहन के आ रहा है। अरे बिरवा, बिरवा कहाँ है? वो ऑफिस से सीधा वहाँ आ रही है। हे भगवान, भूचाल आ जाता, कयामत आ जाती, ये धरती फट जाती। लेकिन पता नहीं मैंने बिरवा को पिकअप करने के लिए क्यों माना। पता नहीं जब किस्मत खराब होती है ना तो ऐसा ही होता। पता नहीं मैडम कब आएंगी। वेट करो। आप? तुम? अच्छा आप यहीं पे मिल गए। मुझे कहना था, मैं कह भी दूंगी। I'm sorry. सॉरी क्यों? वो आज सुबह। आज सुबह क्या? मैंने गलती की थी ना, बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या क्या कह दिया था।
तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो माफ किया। वैसे अगली बार से ऐसी गलती मत करना। किसी से भी कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए, तुम्हारी बिरवा मैम की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब पता है मुझे यहां क्यों भेजा गया है? शादी के सिलसिले में तुम्हारी बिरवा मैम को देखने के लिए और उनको जानने के लिए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उस खड़ू से शादी करेगा कौन। क्यों? तुम्हें देखने के बाद उससे शादी करना तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल। हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं हो सकता मैम। काश कि ये बिरवा होती। देखो मिस्टर सोलांकी, ये कैसे हो सकता है? बिरवा मैम, इज नॉट पॉसिबल। वॉट इज इट? बाद में बात करती हूँ। वो तोरल भाभी ने कहा है कि पहनाने में मदद करने के लिए। मेरा मतलब है साड़ी पहनाने में आपकी मदद करने के लिए। वो आपको जाना है ना, इसीलिए। कहाँ? पूजा में जाना है ना आपको। ओ गॉड, इतने सारे काम के बीच पूजा में जाना, रही है साड़ी लपेटना, मुझसे नहीं हो सकता। लपेटने में मेरा मतलब है साड़ी पहनाने में। मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे 15 मिनट लगेंगे। अगर इसी बीच में तुम मुझे साड़ी पहना दोगी देन इट्स फाइन, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट इट। टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं 15 मिनट में आपको साड़ी पहना दूंगी। गुड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस मिस्टर सोलांकी, हम अब बात कर सकते हैं। इट्स ओके। मैम अब तैयार हो गई, अब मुझे भी 5 मिनट चाहिए। तैयार हूँ मैं, अभी आई। पता नहीं खड़ूस कब तक आई। Excuse me, you're staring again. क्या क्या देख रहे हो? सारा ठीक से देखने तो दो। Move. चले चले, गाड़ी निकाल। सॉरी बहुत देर हो गई ना। देर? सही वक्त तो अब शुरू हुआ है। चले अब चलो, भी कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार मत करो, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चप्पा गली सब सामान है ना, गाड़ी में रख दे। चल चल जल्दी कर। रख नहीं जा रही थी बा। ए, गाड़ी में सिर्फ सामान ही रखना, समझी ना। लगे तो अपने आप को भी मत रख देना। जब देखो गाड़ी में बैठने की इच्छा रहती है, खा पी के इतनी मोटी हो गई है। थोड़ा चला कर, डाइटिंग कर, डाइटिंग। और वैसे भी तू आके क्या करेगी है? मैया वंशी परिवार के लिए बड़ा दिन है, तेरे लिए नहीं। रहने दीजिए ना तरुफी, भगवान के काम में क्यों किसी को रोके हम। तू कह रही है ना तोरल, इसलिए उसको हाँ कह रही हूँ। चल अवे।
ए किधर जा रही है? हैं? उधर ही खड़ी रहे, पहले हम लोग चलते हैं, 5 मिनट रुकना, उसके बाद निकलना, समझी ना? लोगों को ऐसा ना लगे हमारे साथ ही आई है। कल तो है नहीं, समझा रही हूँ। अच्छा, मैं कब आपके साथ आना चाहती हूँ? मैं भी अपने लोगों में नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं किस बवंडर के घर काम करती हूँ। ए, ये जो तू खुचुर पुचुर करती रहती है ना, तुझे क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं देता? सब सुनाई देता है, कान तीखे है मेरे, समझी ना? चलो चलो। एक मिनट, खेमी कहाँ है? यहाँ। आप सब लोग जाओ पूजा में, मैं नहीं आ रही। क्यों? देखो खेमी, मैं जानती हूँ कि घर के लोग अलग हो गए हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि की इस एक पूजा में पूरा परिवार साथ होता है, फिर तुम क्यों नहीं आ रही? घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए? नहीं तोरण, मुझे भी पता है कि घर के बीच भले ही लकीर खींच गई हो, लेकिन इस पूजा में घर का हर एक सदस्य एक होकर जाता है। कारण कोई सदस्य नहीं, कारण कोई और है। संतू, पता नहीं उसने आज के लिए क्या षड्यंत्र रचा होगा। तो कम से कम घर में किसी को तो रहना चाहिए ना उस पे नजर रखने के लिए। देखो आज आपकी पूजा है, पूरा गांव वहां पर होगा, तो मैं यहाँ घर में ध्यान रख लूंगी ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे। खेमी, मुझे नहीं लगता कि संतू कुछ बुरा करेगी। तुम इस परिवार का एक अहम हिस्सा हो। मैं जानती हूँ कि हम रोज बात नहीं करते, घर में एक रसोई है लेकिन दो दो चूल्हे जलते हैं, लेकिन आज हितेन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अगर तुम नहीं आई तो आज पहली बार इस पूजा में हमारा परिवार अधूरा रहेगा। चलो ना हमारे साथ। ठीक है। आपको पारा फटाने की जेरॉक्स कॉपी चाहिए थी ना, ये रही, पढ़ लीजिए। लीजिए, पढ़िए। ये लो संदीप, वैसे भी आज हमारे वकीलों का जत्था आ रहा है, अकागड़िया काम आ उसे। इस पावर ऑफ अटर्नी को ना हम लोग चैलेंज करेंगे। वकील आ रहे हैं हमारे, जो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अब तुमने मुझे ललकारा है तो तुम भी सुनो।
चाहे जितनी मैं कोशिश कर लूं, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसका दंड तो तुम लोगों को मिलेगा ही। हम कहा था ना औरतों को तुम लोगों ने, कितने समय तक वो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। सच्चाई तो एक दिन सबके सामने आनी ही है। अब भी समय है मौलिक भाई, इस सच्चाई को स्वीकार लो, नहीं तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। सारी औरतें घृणा करेगी आपसे, आप अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। ए, अपना भाषण बंद कर समझी, न्याय हो चुका है और अब इस बारे में हम तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहते। जो भी बात करनी है ना, हमारे वकील करेंगे। चल मौलिक।